हमारे सभी दर्शक बंधुओं को भोजपुरी लोक गायक परमहंस चौरसिया की तरफ से सादर नमस्कार। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हर एक देश की, प्रदेश की अथवा क्षेत्र विशेष की अपनी एक पहचान होती है, उसी के बल पर उसको जाना, पहचाना और माना जाता है। उसी का नाम है संस्कृति। जी हाँ, संस्कृति। ये संस्कृति बसती है नगर से कोसों दूर बसे उन गांवों में, वहाँ के रहन सहन, वेशभूषा और पहनावों में, वहाँ की बोलियों, वहाँ की लोक कथाओं और लोक गाथाओं में। तो आइए आज हम भोजपुरी की एक महान लोक गाथा सोरठी बिरजाभार का एक अंश कविता क्रिएशंस के बैनर तले संचालित यूट्यूब चैनल केसीपी सॉन्ग्स, जी हाँ केसीपी सॉन्ग्स पर इसका एक अंश प्रस्तुत कर रहे हैं, इस आशा के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगा। यदि आप लोगों को हृदय से पसंद आया और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसकी पूरी कथा जन्म से लेकर और अंत तक, जो लगभग 100 भागों में है, अपने क्षेत्रीय कलाकारों के द्वारा मंचित कर गायन और नाट्य रूप में प्रस्तुत करूंगा, ताकि ये हमारी विरासत सदियों सदियों तक अमर रहे। कहा जाता है कि एक बार इंद्र के दरबार में सभा लगी, सभी देव और अप्सरा पहुंचे, लेकिन उसमें से दो, एक अप्सरा और एक देव, गैर हाजिर मिले। इंद्र महाराज ने पता किया कि आखिर वो कहाँ गए, तो पता चला वो मृतलोक में भ्रमण करने गए हैं। यह बात इंद्र महाराज को नागवार गुजरी। उन्होंने अपना अपमान समझते हुए बहुत क्रोधित हुए। जब वो लौट कर वापस आए, इंद्र महाराज ने उन्हें श्राप दिया कि तुम लोगों ने इस देवलोक की परंपरा को खंडित किया है, तुम एक देव और अप्सरा होकर के मृत लोक में सामान्य लोगों के बीच में गए, इसलिए मैं तुम्हें शापित करता हूँ कि तुम जा कर के वहीं जन्म लो और उसी में अपना जीवन यापन करो। यह श्राप सुनने के बाद दोनों अति व्याकुल हो गए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद आखिर इंद्र महाराज को दया आ गई। उन्होंने कहा कि हमारा श्राप तो टल नहीं सकता, और मैं ये भी जानता हूँ कि मृत्युलोक दुखों का सागर है, लेकिन तुम्हें जन्म तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी हमसे जितना हो सकेगा यहाँ से तुम्हारे दुख को उबारने के लिए, कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ अप्सराओं और देवों को तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार भेजता रहूँगा। और तब उन दोनों का देहावसान होता है और वो दोनों इस मृतलोक में आकर जन्म लेते हैं। तो अप्सरा जो है सोरठपुर के राजा के यहाँ जन्म लेती है और उसका नाम सोरठी पड़ता है, और ये जो है बिरजाभार इसका नाम पड़ता है। और ये कहाँ जन्म लेता है, फिर कैसे कैसे कहाँ पहुँचता है, यही प्रेम गाथा इस सोरठी बिरजाभार में। जय हिंद, जय भारत। जोगी से भाग निकाले जोगी, भांग रगर मिलाज हो, कुछ भंगिया गुरु के दिहले, कुछ अपने लिखाए हो, भांग खाई भंगवाई गई ले नारायण, शहर आई भैया मामा के खर घासी बिछा लेके, यानी जोगी बिरजाभार
61 मावे लोग की दरवाजे पर जाता रहा और गुरु गोरखनाथ की कृपा बा बिरजभारी आगे के रास्ता पकड़ बन कोनेगा अरे धैले डगरिया ए जोगिया अरे मामी के नगर झुन्न पाँच तजाला
बांसुरी बजाओ थवन, बांसुरी के बाद महल में जाइए, 359 मामी बिछा लेके जरूर आई लो। जय हो गुरु गोरा। हम कब्बे बोला के आऊंगी कि हमने के चले के बा फुलवारी में। आज कितना दिन हो गए फुलवारी के देख ले, आ तू बहन तो क्या कर तरलू हा। अरे देखिए चलो चला जाए। हाँ तो चला, आ चल के आज फुलवारी के मजा लिहल जाए। और क्या ए बहन। लेकिन कहीं कुछ बादल सुन लू हा। नहीं तो हो ना सुन लू हा। ना हमारी कानों में अबले गूंजता।
ई कहाँ बाजता हो अरे कहवा में बाजे ये बहिना ए बहिना हो गाओ अरे कहवा में बाजे बहिना अरे मोहनी बसुरिया हो आखिर में मोहनी बांसुरी के बजा रहा था चलो चल के पता लगाओ चल चलो अंदर बागीचा में चलो हाँ चलो चल राम नाम की लूट है लूट सके चलो अंत समय कुछ काम नहीं है जब तन जई है ऐसा की का हो चलो चल के पता लगाओल जा आज इतना जल्द हो सके चल के फुलवारी में देखल जाओ कि आखिर में ही मोहनी बांसुरी ठीक बचाला हमन के पंछी उड़े लायस मनवा
कुछ देखलू हो? अरे हम अबहिले ना देखलू। बाप रे बाप, हम जब से देखले बने तब से मैं हमारी देहिया में उपछनर भरल बा। ए सखी, का हो कौन ऐसा चीज बा हो जे तू देख लेल बाड़ू हमने के देखले नहीं खिस ना रे वो चीज। हां वो चीज देख लेबू त हमार त बहिन 3, 5, 9 किस्म के होता ना। हमार तोहर 17, 22, 23 किस्म का हो जाई देहिया। कहो सुनो ने हाई देवू कोनो औजार देखाओ तड़ी एक के पीस बनवे कईली। हां बनल बनी हम जय तोहरी माई के। आहा नारा हलो नारा ए ए सखी ई बात ना हो छोटकी ना चल चलबू देखाइबू चल आवा हमरे साथे चल। ए सखी हमारी अंगुरी की ओर देखी हा देखो उहे वहां के अर्गन बजाओ तनी। हाँ अर्गन बजाओ तनी। अच्छा भाई थोड़ा कहो तनी रे ऐसे की है। अरे वो तो कुल्फी बेचतने हो ना देखो उहे। अरे वो तो पानी पिया नलका चला के हो। हाँ अरे हम जने हम मुरिया करते नहीं वने देखा ना हो। क्या नहीं हम मुरिया करते नहीं देखा हुआ है। बेटा मले बाना लड़ाई आल बाना ऐसे की। अरे वो ना हो। अरे वो तो पहलवान हम हो। पहलवान हम। हाँ अरे देखा हुआ है। अरे ऐसे की। अरे अपनी जिंदगी में बहुत देखनी लेकिन इतना सुंदर इतना कोमल इतना सुशी हम जो भी ना देखने हो। नारायण नारायण आखिर में ये बतिया कहलू ना। एगो काम करो तो हलो जालू घर है अब हम जाते नहीं बाबा के लगे। तो बाबा के लगे जा पहले गोड लाग ला लोग बारी बारी से ओ करीबा देगो बाबा से हम बात पूछ ले तनी हम चल ले तू रही है का है ऐसे रही है के हौ शादी क ले हाय हौ बियाह क ले हाय गौना क ले तहरा के लेके जाई है हमरा संगे बाबा सुहाग रात में लागे। अरे वाह पानी उदानी तो हमने के अचारिया खाइबू तू तब का हौ गंगा होई हौ जमुना होई हाय त्रिवेणी होई हाय भागीरथी तू खाय गंगोत्री नदी हमरा बजे खनवा ऐसे की तब तो जे तारे में ना आई वो तोर जाई हो तोर जाई कैसे चली बाबा के लगवा। हाँ बाबा के तुलसी तुलसी सब कहे बच्ची
बाबा हाँ। ये बच्ची नहीं है अभी, बिल्कुल एक कोमल है कच्ची। नहीं, नहीं, नहीं। बच्ची ये हम अपने जुबान से नहीं कह सकते हैं। बाबा मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं कच्ची हूँ बाबा। ओ नारायण नारायण, जो भी हो बच्ची, साधु के महात्माओं के हरी नजर में बूढ़ से जवान, ललका से सयान, बच्ची और बच्चा कह के बुलाते हैं। अरे तुम्हें खतरे हो गया काजी, खाली रौदा के देख के ना होता, पपीता के दूध लगा पाए लगती हूँ आपको। ईश्वर है तेजस्व प्रताप ऐसा की तहरे के कौन आशीर्वाद बाबा देला हन। ये तो भूला गए नहीं हो उस्मान बो तोह के हे करे के कोला चिरा जा फरा जा। हां हे करे के को हे करे के कोला हो चिरंजीवी भव, मतलब चिरंजीव। अच्छा चिरंजीव। हां हो करे के को तन गर्भवती भव तोह के हो हमरे के तो बाबा देला। नारायण 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 हमरे के बाबा ऐसा ना आशीर्वाद देला हाँ। कि बाबा का आशीर्वाद मैं हमारे देही में फोरता ऐसे ऊंच बका हो कवन बाबा कटहर के लेना दे ले। हम कहनी है कि बाबा पाए लगती हूँ आपको, ताकत ना ईश्वर बढ़ाए तेरे जस और प्रताप को। बच्ची ए बाबा नारायण नारायण। बच्ची क्या कहती हो बच्ची, अपने जीवन से करके सुनाओ। नारहम मत कह रहे कब करे हम ने पढ़ी छुआता हैने उठ के तन किसे आई हम जोन पूछत नहीं तोन बताई है छुआता। ए बाबा बच्ची ए बाबा रौरा साधु है रौरा तो बुझा तक करे जा पचड़ी जाए। बच्ची साधु महात्मा की निगाह से ना देखे के चाहिए। उस साधु है कि साधु नारायण नारायण। ए बरा रहरियो में दसगरी गोली गई कहत रहरियो में ना रहम ना रहम हरियो नारायण हरियो नारायण हमको कहत कि रहरियो में ना रहे। ए बाबा सोनी हने आई बाबा रहरी में ना खुटकी हाल। अरे कहवा से आवो तबानी, अरे कहा के जाइबे बैरागी जोगी। ए बाबा अरे कहवा से आवा अरे कहा जाइबे बैरागी जोगी। अरे कहवा के बदले मोकाम ए बैरागी जोगी।
जय भैया पहलवान जी हेरे ध्यान दो शिल्पा जी है तार अजय भैया पहलवान जी के तरफ से 11 रुपया के पुरस्कार आयल बा तहरा खाती तो हमारा तरफ से नमस्कार बा आगे में तार का ख्याल बा अजय भैया हमारा अगल बने टोपी वाला अच्छा जी चरण स्पर्श आशीर्वाद के कामना जानते बनी नाच होतन कि सा होखेला हम पहलवान जी के कुछ कहत नहीं पहलवान जी कहला कहला अरे हम त जवान बनी अरे हई चढ़ल बा जवानी आया जुरात देखब भैया अरे आज रात देखब भैया अरे तोहर पहलवानी आज रात देखब भैया पहलवान के रिश्तेदार अजय पहलवान जी के तरफ से आई देखो 21 रुपया के पुरस्कार अजय पहलवान हवन हां हां केने बाड़ आ सामन हे हमरे से जोड़ लिखा जाई लिखा जाई लिखा नहीं जाई अबे फरिया जाई
हरियाई का हाँ हाय सुना हाय देखो ये कई सुब्या शुक्रिया नम समझ में आया ना और शुक्रिया चरण स्पर्श बा आशीर्वाद के कामना बा आज पहलवान का रिश्तेदार पहनोई जी आज पहलवान जी के तरफ से अच्छा बहनोई जी हैं उनके बहन बतिया पर रिश्तेदार हाय ये कई सुब्या के पुरस्कार बा हमारा तरफ से नमस्कार बा ए शिल्पा रानी जी इमे आगे तार का ख्याल बा कहले बा खिसा को भूत हमारे इतने कहनाम बा का कहनाम बा कि आए फूल जाकर उस फूल से कहना मैंने एक फूल भेजा है अच्छा आए फूल जाकर उस फूल से कहना मैंने एक फूल भेजा है अगर मेरा फूल कबूल होते इस फूल के बदले एक फूल देना नहीं तो मेरा फूल मुकर जाएगा अगर मेरा फूल कबूल ना हो तो मेरे फूल को बेवफा बनाकर ठुकरा मत देना नहीं तो मेरा फूल टूट कर बिखर जाएगा मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया नमस्कार करती हूँ शिल्पा जी हाँ जी कहीं जी थोड़ी दूरे से रही जी अरे मशीन तो 3300 वोल्टेज मारता मारबे करेला ये देखो तुम्हारे शायरी पे खुश होकर आ गए हमारे राजू भैया अच्छा वो जानते क्या कहता नहीं क्या कहता नहीं राजू भैया कहते नहीं कि भूल से कोई भूल हुई तो अच्छा भूल से कोई भूल हुई तो भूल समझ कर भुला जाना हाँ भूलना सिर्फ भूल को भूल से हमें भी ना भुला जाना ऐसी बात नहीं है उनको जा करके कह दीजिएगा कि खबर हमने उन्हें गैरों से मिलने की पाई है अच्छा खबर हमने उन्हें गैरों से मिलने की पाई है सारा यही झगड़ा है सारी यही लड़ाई है न कागज है न ख्वामा है न इतनी रोशनाई है फकत मेरा कहा इतना वो जिससे प्यार करते हैं उसी की लाश उनके पास आई है क्या बात है क्या बात ये 51 रुपए का पुरस्कार आप लोग देख ही रहे हैं हमारे कैमरामैन साहब जी को हमारे वो एक बहुत बड़े कलाकार एक बहुत बड़े अफसर एक बहुत बड़े कैमरामैन एक बहुत बड़े सामाजिक सेवी हैं और मैं उन्हें तहे दिल से चरण छू करके चरण स्पर्श करती हूँ अन्यथा आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ और भगवान से नित्य दिन कामना करूंगी कि हे भगवान उनकी सालों साल उन्नति हो और मैं यहाँ उनके सामने ऐसे ही सेवा करने का मौका पाऊं शुक्रिया नमस्कार ए बाबा एगो बात करी ना हमारे बड़ी उपछनर बरल बा वही अब भौरी चोखा देख के भूखियो लागल बा आई ओने के उतखाओ को तो तोरे से क्या मतलब बरे अरे कहा ना बच्ची का कहल चाहते हो कहल चाहते नहीं है कि भौरी चोखा लौका तो भूख लागता ओ बात के फेर में नहीं की अरे उरा सगरी बता देनी सुन ले हनी लेकिन राउर जान हाई मोहनी मूरत बा हमारी करेजे में बस गेल बरे हमरी से बियाह कर बियाह करे जोगी ना है बच्ची तबे से कहता नहीं कि रहर उख बा चले के ना बच्ची रहरियो में ना रहम ना रहम ई कौन बाती भाई अरे जोगी के धर्म न हमे अरे करे के बियाह जोगिया फकीरा हो गई है
जहाँ जहाँ अरे ऐसा बचनिया ये बाबा कहीं राजा बोलत बानी अरे कहीं राजा बोलत हो बानी कहीं राजा बोलत बानी जहाँ
बाबा हो
हम मानत नहीं कि रामचंद्र वन में गई ले सीता उनकी संग में गई ली राम के बन गमन भइल त सीता के हरण भइल पिता के मरण भइल लक्ष्मण के शक्ति बाण लागल पांडव लोग के गुदरी में दाग लागल आ पांडव लोग के गुदरी में दाग लागल रामो जी के गुदरी में दाग लागल लेकिन ऐसे हमार घर बचे वाला राउर नहीं खे हमारा से हे बच्ची बियाह ना करबो तोले हम छोड़े वाला नहीं खे नारायण नारायण केतनो ना रहब लेकिन बरियाई से रहे के पड़ी डगरी में छोड़ ले बड़ा हमने से बिया ना करवा ब्याह कला जोगी ना है तब का करे वाला जोगी हुआ आगे नाम मता तो जोगी रानी एक डेढ़ महीना भी कहा जो थरले हो गई बा सवाल नहीं खे पैदा भइल लेकिन बात रह गल कि भिक्षा मांगत रह त
इतना लपेटले के का जरूरत रहल पहले ही बतिया कहले रहत हम लपेटत नहीं की भिक्षा देबे के बाद तुम्हारी भर जाए ब्याह करे हई तुम्हारिया ये तुम्हारिया बाप रे पहले कहले रहत त कबे सोना चांदी हीरा मोती मणि जवाहरात तीन चार गो कौन है आठ दस गो सीधरी लिया के डाल देले रहती नारायण नारायण ऐसा काहे बोलत अरे अच्छा जा तनी लेकिन एगो बात बा अरे उरा बचल तनी कि हाई हमार तुमड़ी अगर अन्न से भर देबे लोग तब 359 रानी से ब्याह करे हेलो करे बच्ची हेलो हमने कहा जा तनी जब भिक्षा लेके आवे हेलो ठीक लेकिन हमने के इच्छा पूरा करे के पड़ी ऐसे बाजी मत बुझी हम कहीं चल जाए हां तो रवरी गुरु के कसम बा कि जब ले भिक्षा लेके आ ना जाए तब से ये हिले के नहीं थे ए बाबा सर लाली कहां से भिक्षा लेके आगे के रास्ता धरा ए बाबा